तो अगर आप अपने YouTube चैनल पर थंबनेल ऐड करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप थंबनेल ऐड करने जा रहे हो तो आपके सामने ऐसा एक प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आप लोगों को एकदम प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कैसे आप अपने वीडियोस में थंबनेल ऐड कर सकते हो, और मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो से एंड तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बोल सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारम्भ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको YouTube स्टूडियो ओपन करके दिखाता हूँ एक थंबनेल सेट करके। दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो का थंबनेल मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पेंसिल बटन पर क्लिक करके, फिर से पेंसिल बटन पर क्लिक करके मैं यहाँ पर थंबनेल सेट करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो कस्टम थंबनेल, तो मैं कस्टम थंबनेल पर क्लिक किया तो ऐसा एक प्रॉब्लम मेरे सामने आ रहा है लर्न मोड। दोस्तों इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर लर्न मोड पर क्लिक करना होगा। उससे पहले आपका क्रोम ब्राउज़र लॉगिन होना चाहिए, जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल लॉगिन है उस जीमेल आईडी से आपका क्रोम ब्राउज़र भी लॉगिन होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा लॉगिन है, तो फिर से मैं चला जाता हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो पर। तो यहाँ पर कस्टम थंबनेल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लर्न मोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर एक इंटरफेस आया आपके सामने। तो यहाँ पर देख सकते हो एक ब्लू लाइन का ऑप्शन है, इफ़ योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड, तो इस ब्लू लाइन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और इंटरफेस आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आपका फ़ोन वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर टेक्स्ट मी टू द वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन पर रहने थे। और यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं अपना कंट्री सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर दे देना, तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। देने के बाद यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक कर देना होगा। गेट कोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके नंबर पर 6 डिजिट का एक OTP आएगा। तो मेरा OTP आ गया, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। उसके बाद देखना यहाँ पर लिखा है फ़ोन नंबर इज़ वेरीफाइड, मतलब आपका फ़ोन आपका YouTube चैनल से वेरीफाइड हो चुका है। दोस्तों अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद मैं फिर से अपना YouTube स्टूडियो पर ओपन हो जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने YouTube स्टूडियो पर ओपन हो गया। उसके बाद इस वीडियो पर मैं फिर से थंबनेल सेट करने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करके फिर से पेंसिल आइकन पर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर कस्टम थंबनेल, तो कस्टम थंबनेल पे क्लिक करने के बाद मेरा जो फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, मतलब मैं अब यहाँ से जो भी चाहता हूँ वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये थंबनेल ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये लर्न मोर वाला थंबनेल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप भी अपने वीडियोज़ पर थंबनेल ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, डिस्कट कर दूँगा, क्योंकि ये मेरा दूसरा कोई और वीडियो है, तो इसमें मैं वो वाला थंबनेल नहीं करूँगा। दोस्तों ऐसे करके आप कर सकते हो अपने वीडियोज़ पर थंबनेल ऐड। तो गाइस आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे अपने वीडियोस पर थंबनेल ऐड करना होता है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय।